आज महागठबंधन के पूरे एक साल हो गए हैं। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था और आरजेडी का दामन थामा था। नई सरकार बनी तो सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया। आज नीतीश तेजस्वी सरकार को एक साल हो गए हैं। नई सरकार बनने के बाद से ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की भी खूब चर्चा हुई थी। लोगों ने तो ये भी कहा था कि आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि तेजस्वी को जल्दी है सीएम बना दिया जाए। दो मौके ऐसे भी आए जब नीतीश ने भरे मंच से तेजस्वी को सीएम तक बता दिया था और सीएम कहने के बाद भी नीतीश ने अपनी गलती जो है वो सही नहीं की थी। शिवानंद तिवारी जैसे आरजेडी के वरिष्ठ नेता तक ने ये कह दिया था कि नीतीश को संन्यास ले लेना चाहिए और आश्रम चले जाना चाहिए। पहले एक बार ये भी समझते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर कब कब जो है वो पलटी मारी है। देखिए 2013 में नीतीश ने पलटी मारी और बीजेपी का साथ छोड़कर लालू के साथ हाथ मिलाया था। 2017 में भी फिर आरजेडी का साथ छोड़ा नीतीश कुमार ने और फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाई। अब 2022 की बात करें, पिछले साल की, तो 2022 में एक बार फिर से बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हुए और आरजेडी का जो है उन्होंने दामन थाम लिया। इस एक साल में कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि महागठबंधन के बीच दरार आ गई है और बस ये टूटने ही वाली है। नीतीश तेजस्वी सरकार बनने के तुरंत बाद ही आरजेडी मंत्री कार्तिक कुमार का पहले विभाग बदला गया, फिर मंत्री पद से इस्तीफा हुआ, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि महागठबंधन बनने के तुरंत बाद ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। हालांकि कार्तिक कुमार के खिलाफ केस भी दर्ज थे। इसके बाद आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की बारी आई। सुधाकर सिंह ने बागी तेवर दिखाते हुए नीतीश के खिलाफ जमकर विरोध किया और तो और विभाग में कई पीत पत्र भी लिखे, जिसके बाद जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच बहस भी खूब हुई और आखिरकार सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी सुधाकर सिंह शांत नहीं बैठे, तब भी नीतीश कुमार को घेरते रहे और अब भी नीतीश कुमार को घेरते ही नजर आते हैं। फिर अब बात आई आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह की। पहले तो रामचरितमानस पर उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसके बाद जेडीयू ने उनका साथ नहीं दिया और ये कह दिया साफ तौर से कि किसी भी ग्रंथ पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने जब आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया तो शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक को भेज दिया गया। फिर के पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच तनातनी बढ़ गई। स्थिति ये हो गई कि 3 हफ्ते तक शिक्षा मंत्री विकास भवन स्थित अपने ऑफिस तक नहीं गए। इसके बाद ये भी देखा गया कि आरजेडी एमएलसी और लालू के खास कहे जाने वाले सुनील सिंह भी, जो राबड़ी देवी के भाई कहे जाते हैं, उन्होंने भी नीतीश का नाम लिए बिना उनके खिलाफ हमेशा बोलते रहे और अब भी नीतीश के खिलाफ पोस्ट भी करते रहते हैं फेसबुक पर, आप देखते होंगे उनके पोस्ट। फिर मीटिंग भी बैठी जिसमें नीतीश ने सुनील सिंह को फटकार भी लगाई और कहा कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, जिसके जवाब में सुनील सिंह ने कहा था कि राजनीतिक तौर पर जो है उनकी और अमित शाह की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। फिलहाल अगर कुल मिलाकर देखें तो कई ऐसे मौके आए जहां ऐसा लगा कि नीतीश और तेजस्वी में टूट पड़ गई है, पड़ सकती है, लेकिन फिर समय रहते दोनों ने परिस्थितियों पर काबू पाया और महागठबंधन अभी चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।